से करीब 300 किलोमीटर दूर सरगुजा क्षेत्र में अडानी फाउंडेशन लोगों के लिए वरदान साबित हो रहा है। अडानी फाउंडेशन के प्रयासों ने सरगुजा क्षेत्र को एक अलग पहचान दिलाई है। अडानी फाउंडेशन के सहयोग से ग्रामीण सामाजिक और आर्थिक रूप से मजबूत भी हो रहे हैं। देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। कुछ कर गुजरने की चाहत सामने वाली तमाम अड़चनों को खत्म कर देती है। कुछ ऐसी चाहते थी सरगुजा में रहने वाली उन महिलाओं के भीतर जिनके सपने तो बड़े थे, लेकिन यदि उनके पास कुछ नहीं था तो उन सपनों तक पहुंचने का रास्ता जज्बा ही था जिसने नए रास्ते गढ़े और सपने साकार हुए। यह कहानी है महिला उद्यमी बहुउद्देशी सहकारी समिति लिमिटेड से जुड़ी उन सैकड़ों महिलाओं की जिनकी कोशिशों को बल दिया अडानी फाउंडेशन ने। अडानी फाउंडेशन की मदद से समिति की महिलाएं आज पर्यावरण के अनुकूल कपड़े की थैलियां बना रही हैं। इनकी बनाई थैलियां amazon.com के जरिए देश के कोने कोने में बिक रही हैं। इन थैलियों की मांग दिनों दिन बढ़ती जा रही है। Amazon इंडिया के साथ यह अपनी तरह की पहली साझेदारी है जिसकी बदौलत महिला सहकारी समिति को राष्ट्रीय स्तर पर एक बड़ा बाजार मिला है। अडानी फाउंडेशन के सहयोग से आदिवासी महिलाओं को गाँव में रोजगार मिला है जिसके चलते उन्हें 4 से 5 हजार रूपए प्रति माह मिल रहे हैं। अब वो आर्थिक रूप से मजबूत बनते जा रहे हैं। मैं अडानी फाउंडेशन और महिला उद्यमी को धन्यवाद देती हूँ कि मेरे को काम करने में अवसर दिए और इसी कमाई से मैं घर का पालन पोषण भी कर रही हूँ। स्थानीय कारीगरों को बढ़ावा देने के लिए महिला उद्यमी बहुउद्देशी सहकारी समिति ने अमेजॉन के साथ साझेदारी की है। अमेजॉन से साझेदारी के बाद गांव की ही महिलाएं एवं समिति के उपाध्यक्ष वेदमती उइके पहली बार हवाई यात्रा करते हुए बेंगलोर पहुंची, जहां उन्होंने अमेजॉन के अधिकारियों के साथ बैठक में शामिल होकर तैयार किए गए कपड़ों की थैलियों की उपयोगिता के बारे में बताया। जैविक मसाले के विषय पर चर्चा की। अमेजॉन के द्वारा समिति को अब तक 3000 बैग के ऑर्डर प्राप्त हो चुके हैं। अमेजॉन इंडिया के साथ यह साझेदारी ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर, आत्मविश्वासी और आर्थिक रूप से सशक्त बनाने में मदद करेगी। अमेजॉन से 3000 बैग का ऑर्डर मिला था जिसमें से 10 लाख का कमाई हुआ था। उसमें हमारी 10 महिलाएं हैं जो उनका परिवार अच्छे से गुजारा हुआ, उससे उनकी आर्थिक स्थिति सुधरी और इसके लिए मैं अडानी फाउंडेशन का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ जो हम लोगों को यह अवसर प्रदान। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनता से प्लास्टिक का इस्तेमाल ना करने की अपील को सही मायने में सार्थकता प्रदान कर रही हैं महिला उद्यमी बहुउद्देशी सहकारी समिति की ये महिलाएं। अडानी फाउंडेशन के सहयोग से ये कार्य सफल हो पा रहा है। समिति की महिलाएं न केवल कपड़े की थैलियां बना रही हैं, बल्कि इनके जरिए प्लास्टिक के कम से कम इस्तेमाल के लिए दूसरों को प्रेरित भी कर रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस।